नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डार यानी कि मेहर, जो कि मुस्लिम लॉ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं डार होता क्या है। सो डार इज अ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी प्रॉमिस्ड बाय द हस्बैंड टू बी पेड और डिलीवर्ड टू द वाइफ इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज एंड इवन वेन वेयर नो डार इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड। द लॉ कन्फर्स द राइट ऑफ डार अपॉन द वाइफ एज नेसेसरी इफेक्ट ऑफ मैरिज। In this was said in the case of Justice Mahmood. This was said by Justice Mahmood in the case of Abdul Qadir versus Salem. ठीक है, तो दार का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एक ऐसा सम है मनी का या किसी और प्रॉपर्टी का जो कि हस्बैंड पे करता है या डिलीवर करता है कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज के कंसिडरेशन के रूप में। और अगर डार फिक्स नहीं किया गया है एक्सप्रेसली, तो जो लॉ है वो कन्फर करता है राइट ऑफ डार का, और वो फिक्स करेगा कि कितना अमाउंट दिया जाएगा। मतलब इट इज नेसेसरी टू फिक्स द डार अमाउंट इन द केस ऑफ मैरिज। और ये बात कब बोली गई थी? जस्टिस महमूद ने बोली थी इन द केस ऑफ अब्दुल कादिर वर्सेस सालम। ठीक है, इट इज नाइदर अ कंसिडरेशन नॉर अ गिफ्ट टू द वाइफ। ये ना ही कंसिडरेशन है ना ही गिफ्ट है। इट इज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स वाइफ और एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डिग्निटी ऑफ वाइफ। इसे हम ना ही कंसिडरेशन बोल सकते हैं ना ही गिफ्ट बोल सकते हैं वाइफ के लिए। ठीक है, कंसिडरेशन मैरिज का पर वाइफ को नहीं है। इट इज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स वाइफ एज एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डिग्निटी ऑफ वाइफ। तो ये क्या है? इट इज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है वाइफ के लिए, और जो उसकी डिग्निटी है उसका एक्नोलेजमेंट है। ठीक है, डिग्निटी का एक्नोलेजमेंट है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सब्सिस्टेंस टू वाइफ आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सो दैट शी मे नॉट बिकम हेल्पलेस। और डार देने का एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है, मतलब मैरिज अगर टूट जाती है, तो जो वाइफ है वो हेल्पलेस ना बन जाए। तो ये हमने एक ब्रॉडली मीनिंग देखी कि डार आखिर क्यों दिया जाता है और होता क्या है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डार। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डार में ब्रॉडली हम दो तरीके से इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहला है अनस्पेसिफाइड डार और दूसरा है स्पेसिफाइड डार। ठीक है, अनस्पेसिफाइड डार को मेहर ए वस्तु भी कहा जाता है या फिर प्रॉपर डार और कस्टमरी डार भी कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेसिफाइड डार यानी मेहर ए मुसम्मत, और जिसके भी दो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है प्रॉम्प्ट, जिसे हम मुअज्जल भी कह सकते हैं, और दूसरा है डिफर्ड यानी कि मुसाज्जत भी, और दूसरा की है डिफर्ड यानी कि जिसे हम मुबज्जल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट यानी मुअज्जल और डिफर्ड यानी मुबज्जल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक एक की मीनिंग अलग तरीके से। तो सबसे पहले जो पहली हमारी क्लासिफिकेशन थी अनस्पेसिफाइड डार या फिर प्रॉपर डार, जिसे महरम इसमें भी बोला जाता है। तो अनस्पेसिफाइड डार का मतलब होता है इफ द डार इज अनस्पेसिफाइड, मतलब अगर बताया नहीं गया है कि क्या अमाउंट होगा डार का इन द मैरिज, द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट प्रॉपर डार विच इज फिक्स बाय द कोर्ट। तो फिर वाइफ को कौन सा डार मिलेगा जो कि कोर्ट ने फिक्स किया होगा। ठीक है, तो अनस्पेसिफाइड नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। अब देखिए प्रॉपर डार क्या होगा, ये भी कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं है जिसे हम रिगार्ड कर दे कि हाँ ये प्रॉपर डार है। इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, ये हर केस में डिफरेंट हो सकता है। पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर डार क्या होगा, इसके लिए कुछ कंसिडरेशंस है जो कि कोर्ट देखती है। क्या क्या चीजें कोर्ट देखेगी? पहला तो वो देखेगी कि पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ वाइफ क्या है, मतलब वाइफ की क्या क्वालिफिकेशंस है, कितनी क्वालिफाइड है, कितनी पढ़ी लिखी है। दूसरा देखा जाता है सोशल पोजिशन ऑफ वाइफ्स फादर, दूसरा वाइफ का जो पिता है, ठीक है, उसकी सोसाइटी में क्या सोशल पोजिशन है ये देखी जाएगी। तीसरा देखा जाता है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हस्बैंड, जो हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो कितनी है, ये भी कोर्ट देखेगी। एंड लास्टली कस्टम और ट्रेडिशंस प्रिवेलेंट, जिस केस में मैरिज हुई है उस केस में वहाँ पर किस प्रकार के कस्टम्स है, क्या ट्रेडिशंस है, कितना दिया जाता है, ये सारी चीज़ों को भी कोर्ट मद्देनजर रखेगी। There is no limit for the maximum amount of proper dar under Shia law. Proper dar must not exceed the prompt dar. एक रूल है कि कोई भी लिमिट नहीं है कि इतना मैक्सिमम अमाउंट होगा प्रॉपर डार का शिया लॉ में, लेकिन प्रॉपर डार जो है वो प्रॉम्प्ट डार को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये एक चीज यहाँ पर बोली गई है कि इसे, मतलब एक
मैक्सिमम अमाउंट तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम कितना होगा कि वो एक्सीड ना करे, ठीक। तो हम इसे हम मैक्सिमम मान सकते हैं कि प्रॉम्प्ट आवर को एक्सीड नहीं कर सकता है। अब अभी हम देखेंगे कि प्रॉम्प्ट आवर होता क्या है, फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। तो प्रॉम्प्ट आवर क्या होता है, हम ये देखते हैं। व्हेन इट इज स्पेसिफाइड दैट वाइफ कैन डिमांड अ आवर एट एनी टाइम, इट इज प्रॉम्प्ट आवर। मतलब कि जहां पर ये स्पेसिफाई कर दिया गया है, सुनिश्चित कर दिया गया है कि जो वाइफ है वो कभी भी डार की डिमांड कर सकती है, कभी भी, तो इसे क्या बोला जाता है, प्रॉम्प्ट डार, ठीक। प्रॉम्प्ट डार मस्ट बी इमिडिएटली पेड ऑन डिमांड। प्रॉम्प्ट डार को तुरंत जब भी उसकी डिमांड रेज की जाए तब उसको पे किया जाना चाहिए, और इट मस्ट बी पेड ऑन मैरिज वेदर द कंज्यूमेशन हैज टेकन प्लेस और नॉट। तो प्रॉम्प्ट डार को फर्स्टली इमीडिएटली जैसे उसकी डिमांड रेज की गई है तब पे करा जाएगा, या फिर इसे कब पे किया जाएगा, चाहे मैरिज का कंजमेशन हुआ हो या ना हुआ हो, दोनों ही केसेस में इसका पे किया जाना आवश्यक। थर्डली, वाइफ पे रिफ्यूज कंजमेशन टू द हस्बैंड प्रॉम्प्ट पेस प्रॉम्प्ट डार। मतलब वाइफ कंजमेशन से भी रिफ्यूज कर सकती है मैरिज के, जब तक कि प्रॉम्प्ट डार पे नहीं किया जाए। मतलब वो ये बोल सकती है कि फर्स्टली यू पे द प्रॉम्प्ट डार, देन ओनली आई विल कंज्यूमेट द मैरिज। तो ये चीज भी यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली है। अब बात करते हैं डिफर्ड डार की। तो डिफर्ड डार इट इज पेबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के वक्त पेबल होता है, आइदर बाय डेथ और डाइवोर्स। तो ऐसी मैरिज जो कि डिसोल्यूट हो रही है या तो डेथ की वजह से या डाइवोर्स की वजह से, तो उस केस में डिफर्ड डार पेबल होता है। इट कैन ऑल्सो बी पेड अर्लियर इफ देयर इज एन अग्रीमेंट टू इट्स इफेक्ट। लेकिन अगर अग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा है कि पहले भी पे हो सकता है, तो उस केस में डिफर्ड डार पहले भी पे हो सकता है। हस्बैंड कैन ट्रीट डिफर्ड डार एज प्रॉम्प्ट डार एंड गिव पे इट टू वाइफ। तो हस्बैंड डिफर्ड डार को प्रॉम्प्ट डार की तरह भी ट्रीट कर सकता है और उसे वाइफ को पे कर सकता है, ठीक है। विडो मे रिलिंक्विश हर डिफर्ड डार आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड। विडो चाहे तो अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो अपना इस डार का मतलब डिफर्ड डार का अधिकार रिलिंक्विश भी कर सकती है, त्याग भी सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अमाउंट ऑफ डार पेबल, मतलब कितना अमाउंट पेबल होगा डार का, ये कैसे देखा जाएगा। तो इन केस ऑफ अ वैलिड मैरिज, जहाँ पर वैलिड मैरिज है, इफ द मैरिज इज नॉट नॉट कंज्यूमेटेड, अगर मैरिज का कंज्यूमेशन नहीं हुआ है, द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू हाफ ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड। तो अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो हाफ ऑफ द अमाउंट के लिए वाइफ एंटाइटल होगी। लेकिन इफ द डार इज अनस्पेसिफाइड, अगर डार अनस्पेसिफाइड है, शी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ नॉमिनल अमाउंट। अगर डार अनस्पेसिफाइड है तो उस केस में उसे नॉमिनल अमाउंट मिलेगा, ठीक है। इफ अ वैलिड मैरिज हैज बीन कंज्यूमेटेड, अगर मान लीजिए वैलिड मैरिज है जिसका कंज्यूमेशन भी हो गया है, तो जो वाइफ है उसको पूरा अमाउंट मिलेगा, द वाइफ इज एंटाइटल टू गेट द फुल अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड डार। लेकिन जहां पे डार अनस्पेसिफाइड है, शी इज एंटाइटल टू गेट अ प्रॉपर डार, ठीक है। तो वहां पर उसे प्रॉपर डार मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए इररेगुलर मैरिज है जिसका कंज्यूमेशन नहीं हुआ है, तो वाइफ को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैरिज ही इररेगुलर है और यहाँ पे कंज्यूमेशन भी नहीं हुआ है, तो वाइफ इज एंटाइटल टू गेट नथिंग। अगर मान लीजिए इररेगुलर मैरिज है और कंज्यूमेशन हो गया है और डार भी स्पेसिफाइड है, तो इस केस में जो वाइफ है वो एंटाइटल रहेगी स्पेसिफाइड डार या प्रॉपर डार की, जो भी कम होगा, तो जो भी अमाउंट, अगर मान लीजिए स्पेसिफाइड कम है तो वो, या प्रॉपर कम है तो वो, तो जो भी अपना छोटा वाला अमाउंट रहेगा, लीस्ट अमाउंट रहेगा, वो पेबल होगा। और अगर डार अनस्पेसिफाइड है तो प्रॉपर डार पेबल होगा, ठीक है। तो अनस्पेसिफाइड में प्रॉपर और स्पेसिफाइड में जो लोएस्ट अमाउंट रहेगा वो पेबल होगा। अब ये देखना है कि मान लीजिए अगर डार की नॉन पेमेंट हुई है तो वाइफ के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो क्या क्या रेमेडीज होंगी, पहली रेमेडी है उसके पास रिफ्यूजल टू कोहिबिट, वाइफ चाहे तो कोहिबिट करने से मना कर सकती है। राइट ऑफ डार एज अ डेट, जो डार का उसके पास राइट रहेगा वो एज अ डेट रहेगा, मतलब कि पेबल होगा एज अ डेट। और तीसरा क्या है, राइट ऑफ रिटेंशन, उसके पास रिटेन करने का भी राइट अवेलेबल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो डाइवोर्स इज द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। तो डाइवोर्स की वजह से जो डिसोल्यूशन होता है उसे माना जाता है एक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो डेथ की वजह से अगर होगा तो हम उसे एक्ट ऑफ द पार्टीज नहीं बोल सकते, बिकॉज वो एक एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यहाँ पर डाइवोर्स से हो रहा है, तो वो एक्ट ऑफ अ पार्टी माना जाएगा, है ना। तो इट मे बी गिवन बाय द हस्बैंड ऑफ द वाइफ। तो जो डाइवोर्स है,
हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दिया जा सकता है। और यहाँ पे जो ये चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मुस्लिम लॉ में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कितने प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो इधर वाला हमारा क्लॉज है उसमें हमने लिखा है डाइवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ द हस्बैंड, और इधर है डाइवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ। तो मुस्लिम लॉ में जो प्राइम अथॉरिटी है डाइवोर्स की, मेजोरिटी वो दी गई है हस्बैंड को। तो हस्बैंड तलाक, इला और जिहार, इनके तहत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कर सकता है। तलाक के दो टाइप्स हैं, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। ठीक है, तलाक उल सुन्नत को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज तलाक अहसन और तलाक हसन। एंड देन हम आए अगर वाइफ के डाइवोर्स के राइट्स पे, तो डाइवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं चार चीजों में। फर्स्ट इज तलाक के तफवीज, दूसरा है खुला, तीसरा मुबरत, एंड फोर्थ इज रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। इसमें जो खुला और मुबारक है, ये डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होते हैं, मतलब जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली अग्री होते हैं मैरिज का डिसोल्यूशन करने के लिए। अब हम एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मुस्लिम लॉ गिव्स द हस्बैंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू टर्मिनेट द मैरिज विदाउट एनी रीजन। तो मुस्लिम लॉ हस्बैंड को एब्सोल्यूट अथॉरिटी देता है कि वो मैरिज को टर्मिनेट कर सकता है बिना किसी कारण। मुस्लिम हस्बैंड कैन डाइवोर्स हिज वाइफ थ्रू तलाक, इलाक एंड जिहर। तो मुस्लिम हस्बैंड डाइवोर्स किन तीन तरह से दे सकता है, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, तलाक, इला और जिहर। अब हम एक एक करके उनको समझेंगे। तो फर्स्टली तलाक। तलाक इज अरेबिक वर्ड विच मीन्स टू रिलीज। तो तलाक एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, रिलीज कर देना, किसी को छोड़ देना। इट मीन्स रिप्यूडिएशन ऑफ मैरिज बाय द हस्बैंड, इसका मतलब क्या होता है, रिप्यूडिएशन ऑफ मैरिज बाय हस्बैंड। मुस्लिम हस्बैंड हैज अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू प्रोनाउंस तलाक विदाउट एनी रीजन। तो मुस्लिम हस्बैंड के पास अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसमें, वो तलाक दे सकता है बिना किसी रीजन के भी। उसको कोई रीजन, जैसे हमने सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में देखा है कि डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स है, तो यहाँ पर विदाउट एनी रीजन भी वो डिवोर्स दे सकता है, अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है। इन इस्लाम तलाक इज परमिटेड ओनली व्हेन वाइफ बाय हर कंडक्ट और बाय वर्ड्स डज इंजरी टू द हस्बैंड और हैपेंस टू बी इम्पायस। ठीक है, इस्लाम में जो तलाक है वो कब परमिट किया जाता है, जब वाइफ ने अपने कंडक्ट के थ्रू या अपने शब्दों के माध्यम से हस्बैंड को कोई इंजरी कॉज की हो या फिर वो इम्पायस हो गई हो। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों ग्राउंड्स हम देखते हैं, मतलब किसी प्रकार की इंजरी या इम्पायस हो गई है वाइफ, इम्पायस हो गई है वाइफ, तो उस केस में क्या होता है, तलाक परमिट किया जाता है इस्लाम में। अब देखते हैं कंडीशंस ऑफ अ वैलिड तलाक क्या है। तो फॉलोइंग कंडीशंस हैं, देखते हैं। नंबर वन क्या है, कैपेसिटी। एवरी मुस्लिम हस्बैंड ऑफ साउंड माइंड हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी इज कॉम्पिटेंट टू प्रोनाउंस तलाक। तो हर मुस्लिम हस्बैंड जो कि साउंड माइंड का हो और जिसने एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर ली हो, उसके पास राइट होता है तलाक को प्रोनाउंस करने का। सेकेंडली फ्री कंसेंट। तो कंसेंट ऑफ द हस्बैंड प्रोनाउंसिंग तलाक मस्ट बी फ्री कंसेंट। ठीक है, फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें बार है कि हनाफी लॉ जो होता है, हनाफी लॉ स्कूल के तहत जो तलाक होता है, उसमें अगर तलाक का प्रोनाउंसमेंट कंपल्शन, कोर्जन, अंड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से भी हुआ है, तो वो भी वैलिड है। तो अदर लॉ स्कूल्स में नहीं है, लेकिन हनाफी लॉ स्कूल में तलाक अगर कंपल्शन, कोर्जन, अंड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के थ्रू होता है, तो वो भी वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेलिटीज, मतलब क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी तलाक की। तो फॉर्मेलिटीज में क्या है, इन सुन्नी लॉ तलाक मस्ट बी ओरल और इन राइटिंग। ठीक है, तो तलाक कैसा होना चाहिए, ओरल में भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन ये किसकी बात हो रही है, सुन्नी लॉ की बात हो रही है। सेकेंडली नो स्पेसिफिक वर्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन सुन्नी लॉ, हाउएवर वर्ड्स यूज मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो वर्ड्स का यूज होगा, कोई स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं बताए गए हैं, लेकिन ये जरूर बोला गया है कि वर्ड्स क्लियर होने चाहिए और अनएम्बिगुअस होने चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। इन सुन्नी लॉ तलाक नीड नॉट बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुन्नी लॉ में ये आवश्यक नहीं है कि जब तलाक का प्रोनाउंसमेंट किया जाए तो वहां पे विटनेस हो। ठीक है, इन शिया लॉ, शिया लॉ इसकी उल्टी बात करता है। शिया लॉ तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस ओरली एक्सेप्ट वेयर द हस्बैंड इज अनेबल टू स्पीक।
शिया लॉ में क्या है, आपको ओरली ही बोलना पड़ेगा, मस्ट बी प्रोनाउंस ओरली, लेकिन आपको रिलैक्सेशन कहाँ पर है, जहां पर हस्बैंड जो है अनेबल टू स्पीक है, ठीक है, तो उस केस में रिटन में हो सकता है, लेकिन सुन्नी लॉ में ओरल और इन राइटिंग दोनों हो सकता है. तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड क्या है, शिया लॉ तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस इन द प्रेजेंट ऑफ टू विटनेसेस, दिस इज द सेकेंड डिफरेंस. सुन्नी लॉ में हमने देखा विटनेस की आवश्यकता नहीं है, शिया लॉ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टू विटनेसेस के प्रेजेंस में ही तलाक को प्रोनाउंस किया जाना चाहिए. फिर क्या है, शिया लॉ रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्पेसिफिक अरेबिक वर्ड्स इन प्रोनाउंसिंग तलाक. थर्ड डिफरेंस हो गया, सुन्नी लॉ में हमने देखा स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, अनएम्बिगुअस होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है शिया में कि अरेबिक वर्ड्स, स्पेसिफिक अरेबिक वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाना चाहिए. देन लास्टली, प्रेजेंस ऑफ वाइफ इज नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, फॉर द वैलिडिटी ऑफ तलाक नोटिस टू वाइफ इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर तलाक का प्रोनाउंसमेंट हो रहा है, जिस वक्त हो रहा है, वहां पर प्रेजेंस ऑफ द वाइफ का की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वहां वाइफ प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है. और इसके साथ में तलाक की वैलिडिटी इस बात से नहीं जांची जाएगी कि वाइफ को तलाक का नोटिस ही नहीं है, मतलब उसको मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो फिर भी तलाक वैलिड ही माना जाएगा. अब हम देखेंगे ब्रॉडली काइंड्स ऑफ तलाक, कितने टाइप का तलाक है जो हमने उस चार्ट में देखा था, अब हम उसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे. ओके, सो सबसे पहले तलाक देखें हम, तो तलाक उल सुन्नत जिसे बोला जाता है रिवोकेबल तलाक, ठीक है, ये है. इसके अंदर दो आते हैं, तलाक अहसन जिसे मोस्ट प्रॉपर माना गया है, और तलाक हसन जिसे प्रॉपर माना गया है, ठीक है. सेकेंड जो है टाइप वो है तलाक उल बिद्दत, ये इररिवोकेबल तलाक है, ठीक है. और अब हम डिटेल में देखते हैं एक एक को, तो सबसे पहले बात करते हैं तलाक उल सुन्नत की, है ना, जिसे रिवोकेबल तलाक भी कहा जाता है. तो ये एक अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक है ना, इसे अप्रूव किया गया है. इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स ट्रेडिशन सुन्ना, ये प्रॉफिट जो थे प्रॉफिट मोहम्मद उनके ट्रेडिशंस पर बेस्ड है, जिन्हें सुन्ना कहा जाता था, और इस वजह से इसे तलाक उल सुन्नत कहा जाता है. तो सुन्ना से सुन्नत वर्ड का डेरिवेशन हुआ है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवोकेबल तलाक, इसे रिवोकेबल तलाक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है रिकंसिलिएशन और कॉम्प्रोमाइज की बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो इसीलिए चूंकि ये रिवोकेबल है इसीलिए इसे प्रॉपर भी माना जाता है, अप्रूव्ड भी है ना, इस वजह से इसे एक प्रॉपर रिवोकेबल तलाक माना जाता है, ठीक है. अब दिस मोड ऑफ तलाक इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बोथ शिया एंड सुन्नी, दोनों जो सेक्स है हमारे शिया और सुन्नी दोनों के तहत ये रिकॉग्नाइज है. इट इज प्रोनाउंस्ड इन आइदर अहसन और हसन फॉर्म, इसे दोनों फॉर्म्स में अहसन और हसन फॉर्म में प्रोनाउंस किया जाता है. अब हम देखते हैं जो हमने टाइप्स देखे तलाक उल सुन्नत के, दो टाइप्स हैं तलाक अहसन और तलाक हसन. तो तलाक अहसन मोस्ट प्रॉपर है, तलाक हसन प्रॉपर है, तो तलाक अहसन देखते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोकेशन ऑफ तलाक एंड द इविल वर्ड्स ऑफ तलाक आर प्रोनाउंस्ड ओनली वंस. तो इसे सबसे प्रॉपर फॉर्म इसलिए कहा जाता है तलाक का क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है रिवोकेशन ऑफ तलाक की, मतलब वापस लिया जा सकता है, और जो इविल वर्ड्स हैं तलाक के इनका प्रोनाउंसमेंट सिर्फ एक बार होता है. इन दिस फॉर्म ऑफ तलाक हस्बैंड इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक ड्यूरिंग तुहर ऑफ द वाइफ. तुहर इज द पीरियड बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशंस. तो यहाँ पर क्या होता है कि हस्बैंड को सिर्फ एक बार प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक ड्यूरिंग तुहर ऑफ द वाइफ, मतलब जो प्योरिटी पीरियड माना जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच का पीरियड, उसमें सिर्फ एक बार उसे तलाक का प्रोनाउंसमेंट करना होता है. इस प्रोनाउंसमेंट के बाद वाइफ को इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है 3 मंथली कोर्सेज के लिए, ठीक है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत देयर शुड बी नो रिवोकेशन ऑफ तलाक, इन 3 महीने के भीतर रिवोकेशन ऑफ तलाक नहीं हो सकता, लेकिन कोहेबिटेशन विद वाइफ इज इम्प्लाइड रिवोकेशन. लेकिन अगर आप कोहेबिटेशन कर रहे हो तो उस केस में ये इम्प्लाइड रिवोकेशन माना जाएगा. जब पीरियड ऑफ इद्दत एक्सपायर हो जाए एंड द हस्बैंड डज नॉट रिवोक द तलाक, मतलब इद्दत के बाद अगर हस्बैंड ने तलाक को रिवोक नहीं किया, तो फिर तलाक फाइनल और इररिवोकेबल हो जाता है. मतलब कि हमारे पास टाइम है इन 3 महीने के बीच में कि अगर कोहेबिटेशन हो गया तो ये रिवोक हो जाएगा, ठीक. तो इसी रिवोकेशन की वजह से इसे मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है.
सेकेंडली हम बात करेंगे तलाक हसन की। तलाक का हसन जो है उसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो एक बार सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक करता है दोहर परेड में, प्योरिटी परेड में। फिर नेक्स्ट दोहर में देयर इज अनदर प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमने क्या देखा, सिर्फ एक बार तलाक बोला गया था तलाक अ हसन में, एंड देन 3 मंथ्स का इद्दत ऑब्जर्व करना था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोहर पीरियड में पहले बोला गया, फिर सेकेंड बार फिर से बोला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक मे बी रिवोक बाय द हस्बैंड। तो जब दो प्रोनाउंसमेंट्स हुई हैं उसको रिवोक किया जा सकता है, मतलब दो चांसेस रहती हैं। पर इफ नो रिवोकेशन इज मेड आफ्टर फर्स्ट और सेकेंड प्रोनाउंसमेंट, अगर फर्स्ट और सेकेंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक के बाद रिवोकेशन नहीं होती है तो फिर हस्बैंड को थर्ड प्रोनाउंसमेंट इन तोहर करना पड़ता है। तो थर्ड तोहर में फिर वो थर्ड प्रोनाउंसमेंट करेगा और फिर वो बन जाएगा इरिवोकेबल जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तलाक अ हसन में एक ही बार होता है प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, यहाँ पर 3 तोहर पीरियड में 3 बार होता है और थर्ड टाइम पे वो फाइनल हो जाता है। अब हम उसके बाद बात करते हैं तलाक उल बिद्दत की, ठीक है। तलाक उल बिद्दत, इसी को हम ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो इट इज द डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक। ये एक डिसअप्रूव्ड फॉर्म है तलाक का, और तलाक बिकम्स इफेक्टिव एज सून एज द वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन। तो इसे डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है, और इसीलिए माना जाता है क्योंकि जैसे ही तलाक वर्ड्स का प्रोनाउंसमेंट होता है उसी वक्त तलाक इफेक्टिव हो जाता है, और यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है हस्बैंड एंड वाइफ के रिकंसिलिएशन की। अंडर शिया लॉ दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज। ये बात याद रखिएगा, तलाक उल बिद्दत सिर्फ सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज है, शिया लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं है। इन दिस फॉर्म ऑफ तलाक हस्बैंड मेक्स 3 प्रोनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्योरिटी। तो तोहर पीरियड जो होता है प्योरिटी पीरियड, इस पीरियड में हस्बैंड जो है 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक करता है। इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज ट्रिपल तलाक, जिसे हम फेमसली जानते हैं ट्रिपल तलाक के नाम से। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया ने डिक्लेयर किया दैट द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट वॉज हेल्ड दैट दिस फॉर्म ऑफ तलाक इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी इन द सेंस दैट द मैरिटल टाई कैन बी ब्रोकन कैप्रिक्यूसली एंड विमिस्टली बाय अ मुस्लिम मैन विदाउट एनी अटेम्प्ट ऑफ रिकंसिलिएशन। सो टू सेव इट, दिस फॉर्म ऑफ तलाक मस्ट देयरफॉर बी हेल्ड टू बी वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कंटेन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिपल तलाक इज नॉट फंडामेंटल टू इस्लाम। ठीक है, तो शायरा बानो के केस में ये बोला गया कि जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनका रिकन्सिलिएशन हो जाए, ठीक है, एक बार में ही ये इफेक्टिव हो जाता है। और इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये आर्बिट्ररी है और आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वॉयलेशन भी करता है, ठीक है, और ये ट्रिपल तलाक फंडामेंटल नहीं है इस्लाम का। सो द पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 मेक्स इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अ कॉग्निजिबल ऑफेंस अट्रैक्टिंग 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद अ फाइन, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि पार्लियामेंट ने एक मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2009 बनाया, जिसके तहत जो ट्रिपल तलाक है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जिसके तहत 3 साल की इम्प्रिजनमेंट फाइन के साथ में लगाई जा सकती है, ठीक है। तो तलाक उल बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिक्लेयर कर दिया गया था। अब इसके बाद हम आते हैं इला एंड जहर। इला एंड जहर क्या है ये भी देखते हैं। सो इला एंड जहर क्या है, कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स में बाय द हस्बैंड, ठीक है। इला में क्या होता है, हस्बैंड टेक्स ओथ टू नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ। तो इला में हस्बैंड ओथ लेते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे विद द वाइफ, एंड फॉलोड बाय द ओथ दैट देयर इज नो कंसमेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है। और ये 4 मंथ्स के लिए ओथ ली जाती है, ये कंसमेशन ऑफ मैरिज नहीं होगा। अंडर इतना आचार्य स्कूल ऑफ शिया लॉ इला डज नॉट ऑपरेट एज डाइवोर्स विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। लेकिन इतना आचार्य स्कूल जो है हमारा, उसमें जो इला है उसे डाइवोर्स की तरह ऑपरेशन नहीं दिया जाता है जब तक
जो हमारे इतना आचार्य स्कूल ऑफ शियर लॉ है उसमें जो इला है वो डाइवोर्स के जैसा ऑपरेशन नहीं करता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा तब तक इसे डाइवोर्स नहीं माना जाएगा। इन जहर, अब हम जहर की बात करें तो जहर में क्या होता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को कंपेयर करता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से, जैसे कि मदर सिस्टर जिनसे मैरिज नहीं हो सकती है उस वुमेन के साथ उसे कंपेयर करता है। उस कंपैरिजन के बाद में जो हस्बैंड है वो कोहैबिट नहीं कर सकता है अपनी वाइफ के साथ में 4 महीने तक। तो यहाँ पे याद रखिएगा इला और जहर में आपको 4 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन याद रखना है। द मैरिज डज नॉट डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4th मंथ, लेकिन जो 4th महीना है उसके बाद भी मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी, द वाइफ हैज द फॉलोइंग राइट्स। वाइफ के पास पास कुछ राइट्स रहेंगे, जैसे शी मे सीक जुडिशियल डिवोर्स फ्रॉम द कोर्ट, वो कोर्ट के पास जाकर एक जुडिशियल डिवोर्स दे सकती है। शी मे सीक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स फ्रॉम द कोर्ट, वो रेस्टिट्यूशन करवा सकती है कंजुगल राइट्स का। देन इफ द हस्बैंड वॉन्ट्स टू रिवोक जेहर, अगर वो चाहे हस्बैंड चाहे तो वो रिवोक कर सकते हैं जेहर को बाय रिज्यूमिंग कोहैबिटेशन विद द सेट पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, जो 4 महीने का टाइम ड्यूरेशन है। अगर वो उस दौरान कोहैबिट करने लगते हैं तो वो जेहर को रिवोक कर सकते हैं, और उस केस में वाइफ ज्यूडिशियल डाइवोर्स सीक नहीं कर सकती है। लेकिन कोहैबिटेशन विद अ वाइफ हु हैड बीन कंपेयर्ड टू अ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज सिंफुल, मतलब इसे एक पाप की तरह माना जाता है कि आपने वाइफ का कंपैरिजन एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से किया। और वाइफ कंपेयर कर सकती है हस्बैंड को कि वो पेनेंस परफॉर्म करे, यानी कि वो प्रायश्चित करे इस चीज का। ठीक है, तो ये बात होती है इला और जहर की। तो इला में क्या होता है, ओथ लेते हैं हस्बैंड टू नॉट टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ। एंड जहर में क्या होता है, जहर में वो कंपेयर करते हैं वाइफ को किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वाली वुमेन से। ठीक है, अब आता है डाइवोर्स इन द इंस्टेंस ऑफ वाइफ। तो अब हम बात करेंगे कि वाइफ के इंस्टेंस पर कैसे डाइवोर्स हो सकता है। सो डाइवोर्स बाय द मुस्लिम वुमेन इज ओनली पॉसिबल इन द फॉलोइंग 3 सिचुएशंस। तो मुस्लिम लॉ में जो डाइवोर्स बाय वाइफ है वो फॉलोइंग 3 सिचुएशंस में हो सकता है। पहला, वेयर हस्बैंड डेलीगेट्स द राइट ऑफ तलाक टू वाइफ, तो उसे बोला जाता है तलाक-ए-तफवीज। जब हस्बैंड अपना जो अधिकार है खुद का तलाक लेने का वो वाइफ को ट्रांसफर कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है तलाक-ए-तफवीज। दूसरा है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, खुला और मुबरत। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल कंसेंट से हस्बैंड एंड वाइफ की तलाक होता है जिसे हम बोलते हैं खुला एंड मुबरत। थर्डली, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इस एक्ट के तहत जब तलाक लिया जाता है तो वो भी इंस्टेंस ऑफ वाइफ के फेवर में होता है। अब हम बात करेंगे तलाक के तफवीज की। तलाक के तफवीज क्या होता है, इंस्टेड ऑफ प्रोनाउंसिंग तलाक हिमसेल्फ ही मे गिव द राइट टू हिज वाइफ। तो यहाँ पर जो हस्बैंड होते हैं वो खुद तलाक प्रोनाउंस करने के एवज में अपना जो तलाक प्रोनाउंस करने का राइट है वो दे देते हैं वाइफ को। द डेलीगेशन मे बी कंडीशनल और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। ये जो डेलीगेशन है हो सकता है कंडीशनल हो, किसी कंडीशन के साथ में हो, सशर्त भी हो सकता है। बेसिकली जनरल प्रैक्टिस इज टू डेलीगेट द पावर टू वाइफ अपॉन हस्बैंड फेलियर टू फुलफिल सर्टेन कंडीशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो जनरल प्रैक्टिस इज टू डेलीगेट द पावर टू वाइफ अपॉन हस्बैंड फेलियर टू फुलफिल सर्टेन कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल प्रैक्टिस ये है कि वाइफ को डेलीगेट किया जाता है ये पावर जब हस्बैंड कुछ कंडीशंस को फुलफिल ना कर पाए। ठीक है, हस्बैंड जब फेल हो जाए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने में, सर्टेन कंडीशंस को, तब ये राइट जो है वाइफ के पास चला जाता है। अब हम बात करते हैं खुला एंड मुबरत की। तो खुला एंड मुबरत जो है वो म्यूचुअल कंसेंट के हैं डाइवोर्स फॉर्म्स। तो अब इन्हें देखते हैं। सबसे पहले खुला, खुला का लिटरल मीनिंग होता है टेक ऑफ द क्लोज। ठीक है, इट इज द डाइवोर्स बाय वाइफ विद द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड ऑन पेमेंट ऑफ समथिंग टू हिम। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा डाइवोर्स है वाइफ के द्वारा जिसमें हस्बैंड की कंसेंट होती है कि आप कुछ पैसे की पेमेंट के एवज में मुझे फ्री कर दीजिए, है ना। इन खुला ऑफर इज मेड बाय द वाइफ। ठीक है, तो इन खुला ऑफर इज मेड बाय वाइफ टू द हस्बैंड टू रिलीज हर फ्रॉम मैट्रिमोनियल टाई। तो यहाँ पर वाइफ ऑफर करती है हस्बैंड को कि उसे आप मैट्रिमोनियल टाई से रिलीज कर दीजिए। ये ऑफर हस्बैंड के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए।
जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक डाइवोर्स कंप्लीट नहीं होता, और इस दौरान वो रिवोक किया जा सकता है, ठीक है, वाइफ के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ऑफर कौन दे रहा है, वाइफ दे रही है। अंडर सुन्नी लॉ प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इज नॉट नेसेसरी, वाइल अंडर शिया लॉ खुला मस्ट बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ टू कम्पिटेंट विटनेस। तो सुन्नी लॉ में विटनेस का होना आवश्यक नहीं है, परंतु शिया लॉ में खुला के दौरान प्रेजेंस ऑफ टू कम्पिटेंट विटनेस का होना जरूरी है। अब बात करते हैं मुबरत की। तो मुबरत में जो दोनों पार्टीज हैं वो इक्वली डिजायरस होती है सेपरेशन की, यहाँ पर दोनों की इच्छा होती है सेपरेट होने की, और ऑफर जो है ईदर हस्बैंड या वाइफ के द्वारा हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। हमने क्या देखा कि खुला में जो ऑफर है वाइफ करती है, लेकिन यहाँ पर मुबरत में हस्बैंड या वाइफ कोई भी ऑफर कर सकता है जो डिजायरस हो। इन मुबरत नो पार्टी इज लीगली रिक्वायर्ड टू कॉम्पनसेट द अदर। हमने खुला में देखा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक पेमेंट होगी फ्री करने के एवज में, ठीक है, कि उनकी कंसेंट लेने के लिए कुछ उनको पेमेंट की जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी पेमेंट की या कॉम्पेंसेशन की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खुला एंड मुबरत। तो दोनों क्या है, म्यूचुअल कंसेंट की तलाश है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट की। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज अ जुडिशियल डाइवोर्स बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जहां पर कोर्ट के ऑर्डर के तहत जुडिशियल डाइवोर्स होता है उसे बोला जाता है फर्स्ट। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ वाइफ इफ द मैरिज इज फाउंड टू बी हार्मफुल टू हर, काजी कुड डिसॉल्व द मैरिज। तो जहां पर वाइफ ने एप्लीकेशन की और मैरिज पाई गई कि वो हार्मफुल है उसके लिए, तो उस केस में जो काजी है वो डिसॉल्व कर सकता है मैरिज को। द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 1939। तो ये वाला जो एक्ट है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि जो द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट है 1939 का, इसके क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स द ग्राउंड्स ऑन विच डाइवोर्स अंडर द एक्ट कैन बी क्लेम्ड बाय द वाइफ। तो इस एक्ट के सेक्शन 2 में ग्राउंड्स दिए हैं जिनके बेस पर जो वाइफ है वो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। पहला क्या है, द हस्बैंड इज मिसिंग फॉर 4 ईयर्स, जो हस्बैंड है वो मिसिंग है 4 साल से। दूसरा, हस्बैंड्स फेलियर टू मेंटेन द वाइफ फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से हस्बैंड फेल हो गए हैं अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए। तीसरा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड फॉर 7 ईयर्स, हस्बैंड जो है उनको इम्प्रिजनमेंट मिल गई है 7 साल तक की। फोर्थ क्या है, हस्बैंड्स फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक हस्बैंड फेल रहे हैं मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए। फिफ्थ क्या है, हस्बैंड्स इम्पोटेंसी, हस्बैंड इम्पोटेंट है। सिक्स क्या है, हस्बैंड इंसैनिटी, लेप्रोसी और वेनेरियल डिसीज, किसी भी प्रकार की इंसैनिटी है, मेंटल डिसऑर्डर है, लेप्रोसी है या वेनेरियल डिसीज है। सेवन क्या है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी टू वाइफ, जब वाइफ की प्यूबर्टी की एज आई उस केस में वहां पर उन्होंने वो डिवोर्स चाहती है। देन एट क्या है, क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड, हस्बैंड ने किसी प्रकार की क्रुएल्टी की है। इसके अलावा एक रेसिड्यूरी पॉइंट है, एनी अदर ग्राउंड विच इज रिकॉग्नाइज एज वैलिड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। तो इसके अलावा भी अगर कोई रिकॉग्नाइज और वैलिड ग्राउंड है तो उस पर भी डिवोर्स मिल सकता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ अपोस्टेसी ऑन मैरिज। तो सेक्शन 4 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 1939 डील्स विद दिस एस्पेक्ट। तो सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का वो बात करता है अपोस्टेसी का। इफ द मुस्लिम हस्बैंड रिनाउंसेस इस्लाम, अगर मान लीजिए मुस्लिम हस्बैंड ने रिनाउंस कर दिया इस्लाम को, तो उस केस में मैरिज तुरंत ही डिसॉल्व हो जाती है। और ये जो एक्ट है ये अपोस्टेसी बाय हस्बैंड पे अप्लाई नहीं करता है। इफ मुस्लिम वाइफ रिनाउंसेस इस्लाम, अगर मान लीजिए मुस्लिम वाइफ ने रिनाउंस कर दिया इस्लाम को, तो मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती। जो वाइफ है वो चाहे तो वो डिग्री ऑफ डिवोर्स फाइल कर सकती है और ऑब्टेन कर सकती है, और जो भी ग्राउंड्स दिए हुए थे अभी हमने जो पढ़े सेक्शन 2 में, उनके आधार पर तब ये मैरिज डिसॉल्व होगी। तो अगर मान लीजिए मुस्लिम हस्बैंड ने रिनाउंस किया है तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी, अगर मुस्लिम वाइफ ने किया है तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, कोर्ट से डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की। तो
मुस्लिम लॉ में जो वाइफ का राइट है मेंटेनेंस का, वो एब्सोल्यूट है और ये अराइज होता है स्टेटस के थ्रू, मतलब कि वाइफ के स्टेटस के थ्रू। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द हस्बैंड टू सपोर्ट हर इवन इफ वाइफ हैज हर ओन मीन्स ऑफ सपोर्ट। तो हस्बैंड को ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करे भले ही उसके पास उसके खुद का ओन मीन्स हो सपोर्ट का। वाइफ क्लेम ऑफ मेंटेनेंस इज प्रेफर्ड ओवर यंग चिल्ड्रन। जो वाइफ का मेंटेनेंस का क्लेम है उसे प्रेफरेंस दिया जाता है बच्चों से के मेंटेनेंस के क्लेम से भी, क्योंकि वाइफ को कंसीडर किया जाता है रूट और जो बच्चे हैं उनको कंसीडर किया जाता है एज अ ब्रांच यानी कि फर्क। वाइफ जो होती है वो मेंटेनेंस तभी क्लेम कर सकती है हस्बैंड से जब मैरिज जो है वो वैलिड हो। अगर इनवैलिड मैरिज है या इररेगुलर मैरिज है, अवॉइड मैरिज है, तो उस केस में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बनेगा मेंटेनेंस का। देन हस्बैंड की ड्यूटी है वाइफ को मेंटेन करने की। ये कब से स्टार्ट होती है? जैसे ही वाइफ अटेन करती है प्यूबर्टी, और उसके पहले नहीं। ठीक है, देन वाइफ ऑल्सो हैज अ राइट टू बी मेंटेन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के 125 के तहत भी वाइफ का मेंटेनेंस का ग्राउंड बनता है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जो 125 सेक्शन है सीआरपीसी का वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब पर लागू होता है। द रेमेडी अंडर द कोड इज फॉर क्विक एंड इमीडिएट रिलीफ विदाउट गोइंग इन टू द क्वेश्चन ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ पर्सनल लॉ। तो 125 का रिलीफ इसीलिए क्रिमिनल कोड में रखा गया है ताकि ये इमीडिएट हो, क्विक हो, और ताकि हमें एंटाइटलमेंट ऑफ पर्सनल लॉ देखना ही ना पड़े। अब हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स वुमेन। ठीक है, डिवोर्स वुमेन का मेंटेनेंस कैसे होगा, क्योंकि मेंटेनेंस सबको मिलता है, जरूरी नहीं है कि आपको डिवोर्स लेना हो, है ना। तो डिवोर्स वुमेन को कब मिलेगा मेंटेनेंस, ये देखा जाएगा। अ वुमेन अ डिवोर्स वुमेन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो ये कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं जिनके तहत उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। फर्स्टली मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मिल सकता है। सेकेंडली 125 ऑफ सीआरपीसी में मिल सकता है। थर्डली मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के तहत भी मिल सकता है। अब देखते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स वुमेन अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है। सो अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ अ डिवोर्स वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड ओनली फॉर दैट पीरियड ड्यूरिंग व्हिच शी ऑब्जर्व्स इट। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस केवल उस पीरियड के लिए ही मिलेगा जब तक वो जो वाइफ है वो इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करती है। हस्बैंड की लायबिलिटी केवल इद्दत पीरियड तक ही बनती है। मेंटेनेंस ऑफ अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन इज नाउ गवर्न अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। तो अब जो डिवोर्स वुमेन का मेंटेनेंस है वो गवर्न होता है 1986 के मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट के तहत। मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स वुमेन अंडर सीआरपीसी क्या है? तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो 125 के तहत दिया जाता है, और इसमें जो वाइफ की का जो टर्म है वो इंक्लूड करता है ऐसी वाइफ जो कि डाइवोर्स्ड हो और जिसने की अभी तक शादी ना की हो, जो मतलब रीमैरी अभी उसने ना किया हो। एक इम्पोर्टेंट केस है पाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन का। इस केस में ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहां पर जो डाइवोर्स मुस्लिम वाइफ है वो तब भी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड होगी भले ही उसने ऑलरेडी एक अमाउंट रिसीव कर लिया हो पर्सनल लॉ में। तो मतलब कि मुस्लिम वाइफ को तब भी मेंटेनेंस मिलेगा भले ही ऑलरेडी उसने मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कोई अमाउंट रिसीव कर लिया हो, होल अमाउंट रिसीव कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 125 के बारे में कि 125 एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है। ये किसी भी पर्सनल लॉ वाले जो भी हमारे पर्सनल लॉज हैं उन पर नहीं डिपेंडेंट है, और ये सेक्युलर नेचर का है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब पर लागू होता है। और ये किस केस में बोला गया था? ये बोला गया था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाबानो बेगम 1985 का केस था। ठीक है, इस केस में बोला गया दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 125 एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ। इस केस में ये बोला गया कि 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट मुस्लिम पर्सनल लॉ लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन अ डाइवोर्स वाइफ टिल द पीरियड ऑफ इद्दत। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में केवल इद्दत पीरियड तक ही लाइबिलिटी बनती है हस्बैंड की कि वो वाइफ को मेंटेन करे, पर ऐसा 125 में नहीं है। If the divorced wife is able to maintain herself, the husband's liability expires after the period of iddat. तो अगर जो divorced wife है, वो अपने आप को maintain करने में सक्षम है, तो उस केस में जो husband की liability है, वो period of iddat के बाद expire हो जाती है। If the divorced wife is unable to maintain herself, she is entitled to take recourse to section 125. तो
अगर डाइवोर्स वाइफ जो है अनेबल है खुद को मेंटेन करने में, तो फिर उसे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। जो ये केस था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का, इस केस को बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया था, क्रिटिसाइज भी किया गया था कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के द्वारा, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो केस है ये जो मेंटेनेंस है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत देने में के भी बात कर रहा है ना, क्योंकि सीआरपीसी में जो 125 है वो ये बोलता है कि वाइफ को जब तक वो रीमैरी ना कर ले तब तक उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा, डिवोर्स वाइफ को। तो उन्होंने उनका कहना ये था कि जो सीआरपीसी का 125 है ये अन इस्लामिक जा रहा है। इसी के बाद इसको टैकल करने के लिए एक लॉ लाया गया जो कि था द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये जो एक्ट है ये आउटकम था शाबानो बेगम केस का। द लेजिस्लेचर ट्राइड टू नेगेटिव द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली थी अहमद खान के केस में, शाबानो वाले केस में, उसको थोड़ा सा नेगेटिव करने के लिए ये जो एक्ट है लाया गया। इसका सेक्शन 3(1)(b) बोलता है कि जो डाइवोर्स वुमेन है वो एंटाइटल्ड द रीजनेबल और फेयर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फॉर हर सेल्फ ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड। तो यहाँ पर बोला गया कि जो डाइवोर्स वुमेन रहेगी वो एंटाइटल्ड रहेगी रीजनेबल और फेयर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फॉर हर सेल्फ सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए अपने फॉर्मर हस्बैंड से। लेकिन अगर जो डाइवोर्स वाइफ है वो अनमैरिड रहती है इद्दत के बाद भी, तो भी वो मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी अपने उस रिलेटिव से जो उसकी डेथ पर, मतलब उसके मरने पर उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। तो यहाँ पर मेंटेनेंस का अधिकार उस व्यक्ति को मिलता है, देने का अधिकार उस व्यक्ति को मिलता है जिसकी जिसके पास प्रॉपर्टी जाएगी अगर इस महिला की डेथ होती है तो। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 बात करता है इस एक्ट का कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है, या रिलेटिव है पर वो एबल नहीं है मेंटेन करने के लिए, तो फिर लायबिलिटी जाती है वक्फ बोर्ड को कि वो उस वाइफ को मेंटेन करे आफ्टर इद्दत पीरियड। सेक्शन 5 बोलता है कि फर्स्ट हियरिंग की डेट पर अगर डाइवोर्स वुमेन और जो उसका हस्बैंड है एफिडेविट के थ्रू डिक्लेयर कर देते हैं कि वो चाहते हैं कि वो आपसी रजामंदी से सीआरपीसी के 125 टू 128 के अनुसार अपने आप को गवर्न करना चाहेंगे, तो फिर जो ये केस होगा ये डिसाइड किया जाएगा सीआरपीसी के तहत। इस एक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो चैलेंज हुई थी डैनियल लतीफी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस में कि ये जो केस है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, और फॉलोइंग चीजें उस केस में बोली गई। पहला बताया गया कि लाइबिलिटी ऑफ मुस्लिम हस्बैंड टुवर्ड्स द डाइवोर्स वाइफ टू मेंटेन हर इज नॉट कंफाइंड टू इद्दत पीरियड। इस केस में बोला गया कि सिर्फ इद्दत पीरियड तक उनको मेंटेन करना है, ये लाइबिलिटी नहीं है हस्बैंड की, ये उनकी पूरी लाइफ तक के लिए है जब तक कि वो दोबारा शादी ना कर ले। द फॉर्मर हस्बैंड मस्ट मेक अ रीजनेबल प्रोविजन विच वुड एक्सटेंड इवन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत। ठीक है, तो जो फॉर्मर हस्बैंड है उन्हें एक रीजनेबल प्रोविजन बनाना होगा जो कि इद्दत के बाद भी एक्सटेंड हो सकता है फॉर द फ्यूचर ऑफ डाइवोर्स वाइफ विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। ठीक है, तो डाइवोर्स वाइफ के फ्यूचर के लिए विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। और जो ये एक्ट है ये कॉन्ट्रावेंशन में नहीं है आर्टिकल 14, 15 और 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये एक्ट मतलब किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा मुस्लिम लॉ के ऊपर। हमने काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट करने की कोशिश की और हर टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।